सनातन संस्कृति के झंडे को ऊपर रखे, जो भारत के ऋषियों, भारत के महर्षियों, भारत के शास्त्रों और भारत की प्राचीन विद्या, भारत की गरिमा, गवेषणा, इसका और उसके साथ साथ आपको ये तीनों चीजें दे दे, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय, उसको डंके की चोट पर भारत का राजा बनाओ, 100 बार बनाओ, 500 बार बनाओ। कोई कहे भी कि दलाल हो तो कहो मैं दलाल हूं। अच्छे लोगों के साथ सदा रखना चाहिए ये बात, अच्छे लोगों के साथ सदैव खड़ा होना चाहिए इस जीवन में। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि संत प्रवर के द्वारा हमें आशीर्वाद प्रदान किया गया। व्यासपीठ को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, आपके आशीष से ही रामराज्य आएगा, आशीर्वाद से। परीक्षित अब प्रश्न कर दिए और उसके बाद मैत्रेय, विदुर इत्यादि सबको आपने सुन लिया। अब मैं चाहूंगा आज के कुछ प्रसंगों का अवलोकन कर लेते हैं। बहुत नियम से कथा करना तो कठिन है, समय इतने ही समय में आपको सब कुछ सुना देना है। अब भगवत कृपा से हमने प्रायः जितनी चीजें जाननी चाहिए वो हम समझ गए कि भागवत आई कहाँ से, भागवत बांटने वाले कौन हैं और भागवत का रस पीने वाले कौन हैं। अब ये बात पता चल गया। अब भागवत जी में है क्या क्या? भगवत माने भगवान, भागवत माने भक्त, ये भक्तों की कथा है। हैं स्वयं श्री कृष्ण भागवत के रूप में, परंतु कथा सिर्फ भक्तों की है। भगवान की कथा तो आएगी दशम स्कंध में, बाकी इधर अवतार इत्यादि, पर हर जगह भक्तों की कथा है। भक्त भक्त भक्त, और हमारे काम की भी कथा भक्त की है। जब हम ये सब सुनेंगे कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तब हमारा विश्वास बढ़ेगा कि भले ही हमको बहुत बढ़िया बोलने आए ना आए, हम मरा मरा भी करेंगे तब भी वाल्मीकि बन सकते हैं। भक्त की कथा सुनेंगे तब विश्वास बढ़ेगा। जब हम सुनेंगे जनाबाई के विषय में कि नामदेव के यहाँ नौकरी करती थी और नौकरी करने के बाद भी कबीर इत्यादि जाते थे उनके दर्शन के लिए, जिसके पास न पैसे थे न रुपए थे न कोई प्रतिष्ठा थी, जो कंडे बनाया करती थी गाय का, उसका दर्शन करने भारत के बड़े बड़े विद्वान और मनीषी जाया करते थे, तब हमें विश्वास होगा कि हमें जनाबाई बनना चाहिए। एक नाथ के उस ग्रंथ को लिखने वाला, कोई बर्तन मांजने वाला पुरन पोला जब होगा, तब हमारे मन में विश्वास होगा कि अरे वो जब भक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में ये बात आएगी कि सबरी जैसी भीलनी जो अपने गुरु मतंग की भक्ति करके एक दिन राम को अपने दरवाजे पर बुलाने में समर्थ हो सकती है, तो हम भी अपने गुरु की सेवा करके क्यों नहीं भगवान राम और श्याम को अपने द्वार पर बुला सकते हैं। एक दिन जब हमें ये पता चल जाएगा कि सहजोग के द्वार पर कन्हैया और गुरु दोनों खड़े हैं, उसके बाद भी गुरु को अपने आसन पर बिठा करके कह दिया कि मैं राम तजू पर गुरु न बिसारूं, तो हमारे मन में भी विश्वास हो सकता है कि गुरुदेव के साथ साथ कृष्ण भी हमारे द्वार पर आ सकते हैं। जब हमें यह पता चलेगा कि सदन कसाई मांस बेचने के बाद भी भगवान का परम भक्त बन सकता है, तो हमको लगेगा हम तो धनिया मिर्चा ही बेच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं भगवान को बुला सकते हैं जब मांस बेचने वाला बुला सकता है। भागवत का अर्थ यही है, जहां भक्तों की कथा है हमारे मन के अंदर में यह विश्वास होगा कि हमारे भीतर में जितनी भी तकलीफें हों, जितना भी कष्ट हो, जितने भी दुख हों, अगर इन भक्तों के दूर हो सकते हैं तो गोविंद और गुरु की कृपा से हमारी भी दूर हो सकती है, तब हम भागवत की तरफ ध्यान देंगे। तो वास्तव में यह भागवत भक्तों की कथा है। अब भक्तों की कथा में सृष्टि बन गई, सृष्टि बन गई तो मैंने कहा 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्री कौन कौन है? आकुति, प्रसूति, देवहूति
और दो पुत्र कौन हैं, प्रिय बदव्रत और उत्तान पाद। बाकी दो की तो बात मैं नहीं सुनाऊंगा, देवहूति कर्दम की बात मैंने आपको सुना दी। विवाह के लिए आ गए लेकिन कर्दम टक टक होकर के देवहूति को देखे जा रहे थे। मनु और शत्रुपा थोड़े अनकॉन्शियस हो रहे थे, अरे ये कैसा ऋषि है, हमारी पुत्री को ऐसे क्यों देख रहा है, हमने तो सुना था ऋषि हैं, वासना रहित हैं, ये तो लगातार टकटकी हमारी पुत्री की तरफ लगाए हुए हैं। जब लगातार देखने लगे थोड़ा सा उनको क्षोभ हुआ, उन्होंने पूछा ऐसे क्या देखते हैं, अरे माता पिता यहाँ बैठे हैं, पुत्री की तरफ ऐसे निगाह उठा के बैठे हुए हैं। कर्दम जी ने कहा मैं तो भाई भाई सम्मान दे रहा हूँ ब्रह्मा जी को, कि वारे भैया ब्रह्मा अद्भुत आप भी हो, कैनवास एक ही जैसा है पर ऐसे ऐसे स्वरूप बना दिए हैं, इतने सुंदर नासिका लगा दी, इतना सुंदर कर्ण लगा दिया, इतने सुंदर अक्ष लगा दिए, इतनी सुंदरता दे दी, मैं यही देख रहा हूँ कि देवहूति इतना सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगी। योग से भोग से योग की तरफ दृष्टि चली गई, और वास्तव में धर्म का सिद्धांत भी यही है, चारों तरफ भोग का बोलबाला है, चारों तरफ भोग ही भोग है, लेकिन अगर उन्हीं भोगों के बीच में से हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई चाहता हो जिंदगी जैसे, इस गाने को सुन के भी अगर कन्हैया याद आ जाए तो इसी को कहते हैं भोग से योग की यात्रा हो गई।